वेराड सब रेंज के अंतर्गत आने वाले ककराई गांव में आज एक विलुप्त प्रजाति का काला हिरण 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा फॉरेस्ट ऑफिसर कृष्णपाल सिंह धाकड़ को दी गई, जिसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर ने डिप्टी रेंजर अजय पंचवेदी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजकर कुएं में गिरे काले हिरण का रेस्क्यू कराकर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। रेस्क्यू टीम के फॉरेस्ट गार्ड अभिषेक जैन, सुशील गर्ग, विजय कुमार, कुलदीप सिंह परमार और अमित त्रिवेदी ने ग्रामीणों के सहयोग से कुएं में गिरे काले हिरण को बाहर निकाला। इसके लिए टीम का एक सदस्य कुएं में उतरा, खटिया पर रस्सियों की मदद से काले हिरण को बांधकर उसे बाहर निकाला और स्वास्थ्य परीक्षण कराकर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। वेराड से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज ये काला हिरण जो कुएं में मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मामला ये है कि आज सुबह सुबह मैंने 8:30 बजे के लगभग ककराई गांव से सूचना आई थी कि ककराई गांव में काला माने ये हिरण जो है गोपी यादव के कुएं में गिर गया। जैसे ही सूचना मिली, हम लोग सब यहाँ से श्रीमान के रेंजर साहब के निर्देशन में गए। मैं, हमारे चारों नातेदार माने दक्षिण उत्तर माने दक्षिण वाले बेराड़ सब रेंज दक्षिण का स्टाफ पूरे बन गए मौके पे। गांव वालों के सहयोग से माने ये कुएं से उसको सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। सुरक्षित रेस्क्यू करके फिर हमने उसको यहाँ माने हॉस्पिटल में माने पशु चिकित्सालय में ला करके उसको दिखवाया। अभी के कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको किस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसको सुरक्षित ले जा करके और उसके समूह में वहीं उसको छोड़ दिया गया।